Hello everyone, I hope you all are doing great. My name is Aman Rathore and you are watching to my YouTube channel IT Paradigm. आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सारे मेन मैथमेटिकल फंक्शंस जो कि अवेलेबल हैं MS Excel स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 15 मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे कि सम, प्रोडक्ट, कोशेंट, मॉड, रोमन, पावर, एब्सोल्यूट, स्क्वायर रूट, साइन, फैक्ट, इवन, ऑड, सीलिंग, फ्लोर एंड LCM. तो यहाँ पे टोटल 15 मैथमेटिकल फंक्शन है. सो एक वीडियो में कवर कर पाना मुमकिन नहीं है, तो शुरुआत के 8 फंक्शंस हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और बाकी के जो 7 फंक्शंस बचेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो. आपको वीडियो परसों मिल जाएगी और उसमें बाकी के सारे फंक्शंस अवेलेबल होंगे. तो स्टार्ट करते हैं सम फंक्शन से. हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है, हम लोग ने पढ़ा है कि सम फंक्शन तब यूज होता है जब हम लोग को दो से ज़्यादा वैल्यूज ऐड करनी हो, और उसके लिए हम लोग कर सकते हैं इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट, या तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी रेंज क्लिक एंड ड्रैग करके, या फिर वन बाय वन देते हैं a5, a6, a7 वी हैव रिजल्ट 149. अगर हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं ऊपर किसी भी वैल्यू की, जैसे कि 39 की जगह 40 कर देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी 150. आसान है. अब उसके नीचे लिखा है सम इफ एंड सम इफ्स. सो इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे कि ये फंक्शंस कैसे यूज होते हैं, क्योंकि इस पे मैंने वीडियो बना चुकी है, लिंक आपको ऊपर यहाँ पे शो कर रही होगी, वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट इस वीडियो के सेकेंड फंक्शन की तरफ जो कि है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट फंक्शन तब यूज होता है जब हम लोग को दो से अधिक वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है. तो कर सकते हैं इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओपन ब्रैकेट, हम लोग सेल रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर. मींस 7 4s are 28, 28 2s are 56. तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा नंबर का. बढ़ते हैं इस वीडियो के थर्ड फंक्शन की तरफ जो कि है कोशेंट. तो कोशेंट फंक्शन तब यूज होता है जब हमको किसी भी डिवाइड की कोशेंट चाहिए राउंड फिगर में. राउंड फिगर का मतलब हमको डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, केवल हमको मेन वैल्यू चाहिए डेसिमल से लेफ्ट साइड वाली. देखते हैं यहाँ पे 60 को हम लोग को डिवाइड करना है 8 से, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा. रिजल्ट क्या मिलेगा, हम लोग क्वेश्चन कैसे ले सकते हैं, इक्वल्स टू कोशेंट QUO कोशेंट ओपन ब्रैकेट. सबसे पहले हमें नंबर सेलेक्ट करना है जो कि डिवाइड होने वाला है 60, 8 C5, C6 क्लोज द ब्रैकेट वी हैव रिजल्ट 7. यहाँ पे 7 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जो कोशेंट फंक्शन है वो हमें राउंड वैल्यू देता है, हमें डेसिमल प्लेसेस नहीं देता है. लेकिन अगर हमको डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है फॉर्मूला वर्सेस फंक्शन में भी और फंक्शन में भी. तो कैसे कर सकते हैं, इक्वल्स टू C5/C6 प्रेस एंटर वी हैव 7.5. यानी कि जो फॉर्मूला है हमारे पास स्लैश, उससे हम लोग डेसिमल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं. अब बढ़ते हैं फंक्शन नंबर 4 इस वीडियो के फोर्थ फंक्शन की तरफ जो कि है मॉड. मॉड कब यूज होता है, जब हमको किसी भी डिवाइड का रिमाइंडर चाहिए हो. आप देख सकते हैं यहाँ पे 58 को जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा. तो उस रिमाइंडर को पाने के लिए, उस रिमाइंडर को प्रिंट करने के लिए मॉड फंक्शन है, इक्वल्स टू मॉड ओपन ब्रैकेट. सबसे पहले हमें नंबर सेलेक्ट करना है जो कि डिवाइड होने वाला है, किससे डिवाइड होगा 8 से. सो D5, D6 क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर वी हैव रिजल्ट 2. यानी कि 8 7 56 एंड प्लस 2 58, रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया है. ये थोड़ा सा नया है, याद रखने में भी आसानी है, मॉड यानी कि रिमाइंडर. 5 है रोमन. सबने पढ़ा होगा रोमन नंबर किसे कहते हैं, जैसे कि 1 होता है आई, 2 का होता है डबल आई, 3 का होता है ट्रिपल आई, इस तरह से सारे रोमन नंबर होते हैं. लेकिन एक्सेल में भी हम लोग रोमन नंबर निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है. बस हमको लिखना है इक्वल्स टू रोमन ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट द सेल, सिंपल इक्वल्स टू रोमन ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट द सेल क्लोज द ब्रैकेट वेट एरर क्लोज E5 and then close the bracket plus enter we have XLV. XL is for 40 and V for 5. इस तरह से यदि हमको हमारे पास बड़ा नंबर है 567
तो उसका रोमन नंबर क्या होगा, इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट में सेल एड्रेस E8, क्लोज द ब्रैकेट, वी हैव रिजल्ट DLXVII, यानी कि D है 500 का, LX है 60 का और VII है 7 का। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सिक्स्थ फंक्शन की तरफ, जो कि है पावर। जब हमको किसी भी वैल्यू की पावर लगानी हो, जैसे कि 3 की पावर 5, यानी कि हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो उसको करने के लिए यहाँ पे पावर फंक्शन है, इक्वल्स टू पावर ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले हमें नंबर देना है जो कि बेस में है, बेस पे क्या है 3 है, तो हम लोग 3 देंगे, देन गिव अ कॉमा। अब एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है 5, देन क्लोज द ब्रैकेट, वी हैव रिजल्ट 243। इसी तरह से 2 का क्यूब चाहिए हमें, तो इक्वल्स टू पावर ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले बेस देना है यानी कि 2, देन कॉमा, फिर एक्सपोनेंट वैल्यू जो कि है 3, क्लोज द ब्रैकेट, वी हैव रिजल्ट 8, यानी कि 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। सो इस तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू की कितनी भी पावर हो हम लोग निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, जो कि है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फंक्शन तब यूज होता है जब हमको किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव में ही रखना है, यानी कि इन द सेंस हमें आंसर जो है पॉजिटिव चाहिए, तो हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, हम लोग को लिखना है इक्वल्स टू ABS, एब्सोल्यूट का शॉर्ट फॉर्म है ABS, एंड देन ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट द सेल एड्रेस दैट इज G5, क्लोज द ब्रैकेट, वी हैव रिजल्ट 45। देख सकते हैं आप, माइनस हट के यहाँ पे प्रिंट हो गया है 45, यानी कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देता है। क्या होगा जब हम लोग पॉजिटिव नंबर देंगे, इक्वल्स टू ABS, ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट द सेल एड्रेस 30, दैट इज पॉजिटिव नंबर, क्लोज द ब्रैकेट, वी हैव रिजल्ट 30। आसान था, यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शन जो है किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही रखता है। नेक्स्ट, इस वीडियो का आखिरी फंक्शन, जो कि ये फंक्शन नंबर 8 है, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे लिखा है 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट का एक शॉर्ट फॉर्म है इक्वल्स टू SQRT, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ओपन ब्रैकेट, हमें देना है वैल्यू 144, क्लोज द ब्रैकेट, हमने दिया इक्वल्स टू SQRT, जो कि स्क्वायर रूट का शॉर्ट फॉर्म है, देन 144, प्रेस एंटर, वी हैव रिजल्ट 12, यानी कि 12 का स्क्वायर है 144। क्या हो अगर एक इम्प्रॉपर स्क्वायर हो, जैसे कि 20 का स्क्वायर रूट प्रॉपर नहीं है, हमको जो वैल्यू है डेसिमल में मिलेगी। कैसे, इक्वल्स टू SQRT, ओपन ब्रैकेट 20, क्लोज द ब्रैकेट, वी हैव रिजल्ट 4.472, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है, 20 का स्क्वायर रूट होगा 4.472। तो ये था इस वीडियो का आखिरी फंक्शन। अब बाकी के सारे फंक्शंस जो कि हैं साइन, फैक्ट, इवन, ऑड, सीलिंग, फ्लोर एंड LCM, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो अपलोड हो जाएगी कल के बाद परसों, मतलब डे आफ्टर टुमारो यू विल गेट द वीडियो हैविंग द फर्दर फंक्शंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, दैट्स ऑल।